70 और 80 के दशक में दुनिया भर में अपनी एक्टिंग और अपने डांस से भारत ही नहीं दुनिया भर के सिनेमा प्रेमियों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाने वाले जितेंद्र को भला कौन नहीं जानता। वहीं आप में से तो कितने लोग ऐसे भी होंगे जो आज भी जितेंद्र की फिल्मों को देखना पसंद करते होंगे, और कई लोग तो ऐसे हैं जो इन्हें इनके नाग वाले किरदार से जानते हैं। तो वहीं ये कई अलग अलग किरदारों में दर्शकों को बहुत पसंद आए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनके बारे में नहीं, इनकी खूबसूरत पत्नी के बारे में बात करेंगे कि आखिर वो कौन है, क्या करती है और कैसी दिखती है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, और अगर आप भी जितेंद्र के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। बॉलीवुड के कलाकार जितेंद्र का जन्म 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर, पंजाब में हुआ। जितेंद्र को अपना पहला बड़ा ब्रेक वी शांताराम की गीत गाया पाठकों ने और बूंद जो बन गई मोती से मिला। हालांकि ये 1967 में आई फिल्म फर्ज का गाना था जिसने जितेंद्र की सफलता का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद तो जितेंद्र ने बॉलीवुड को कई फिल्में दी। इन्हें 1980 के दशक के दौरान तेलुगु फिल्मों के रीमेक में इनकी उपस्थिति के लिए जाना जाता था। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम शोभा कपूर है। इनसे आज जितेंद्र के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम तुषार कपूर है, जिन्हें आप गोलमाल अगेन, डर्टी पिक्चर, क्या कूल है हम और ढोल जैसी फिल्मों में देख चुके हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी डायरेक्टर एकता कपूर है। तो क्या आपने इससे पहले जितेंद्र की पत्नी को देखा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखकर जरूर बताएं। और बॉलीवुड के ऐसे सदाबहार किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।